के लिए आए आप बिल्कुल सफों में आ जाएं, जो ही वक्त होगा नमाज होगी उसके बाद आप निकल जाएं। अगर एक दिन चंद मिनटों के लिए भीग गए तो मौत नहीं आ जाएगी इससे। कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए मुसलमान को। साल में दो ईदें आती हैं अहले इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए। जैसे ये रमज़ान के 30 रोज़े हमने रखे, उसके बाद ये ईद उल फितर का दिन कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने अपनी इबादत की हमें तौफीक नसीब फरमाई। उसके साथ साथ इस बाबरकत और बाअज़मत मौके पर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस ईद को इस हमारी रियासत के लिए और ख़ास तौर से पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए अमन का ज़रिया बनाए। Hello।